पंचायत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान, अखिलेश यादव सम्मान लेने जाएंगे दिल्ली। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कोरोना पॉजिटिव, प्रदेश में 163 नए मरीज मिले, 718 एक्टिव केस। महिला कंडक्टर से बस सलूकी, लखनऊ में सिटी बस सेवा ठप, हड़ताल पर ड्राइवर कंडक्टर। यूपी में 6 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर, 3 दिनों में तीसरी बार आईएएस आईपीएस की तबादले। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी लखनऊ लोक भवन में आयोजित वृहद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। बता दें कि 795 नवचयनित युवाओं को सीएम ने नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि आम जनमानस का विकास ही सरकार का लक्ष्य है। कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 25 करोड़ की आबादी, और 25 करोड़ की आबादी की इतनी बड़ी आबादी के बीच में शासन की योजनाओं को पहुंचाना, इतनी बड़ी आबादी के सामने पूरी पारदर्शी तरीके के साथ अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से कुछ मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करके अन्य लोगों को उस दिशा में प्रेरित करना एक बड़ा दायित्व है। शासन और जनमानस के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन और उससे जुड़े हुए कार्मिक होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी के साथ यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, शासन की छवि आम जनमानस के सामने उतनी ही अच्छी होती है और शासन की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही पारदर्शी तरीके के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल से देश बचाओ देश बनाओ यात्रा शुरू करने जा रही है। बता दें कि यह यात्रा 14 अप्रैल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रयागराज से शुरू होगी। वहीं इस यात्रा को पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 14 अप्रैल को देश बचाओ देश बनाओ यात्रा निकाली जाएगी। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती के बाद ये यात्रा निकाली जाएगी। और बता दें कि इस पूर्व धर्मेंद्र प्रधान इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, 14 अप्रैल से समाजवादी पार्टी देश बचाओ देश बनाओ यात्रा निकाल रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आगामी 14 अप्रैल से देश बचाओ और देश बनाओ यात्रा की शुरुआत समाजवाद से की जा रही है। आपको बताया कि 14 अप्रैल को देश के संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस अवसर पे जयंती के अवसर पर प्रयागराज से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के द्वारा शुरुआत किया जाएगा ये यात्रा। अगर बात करें तो प्रयागराज से होते हुए और आपके प्रतापगढ़, अमेठी और साथ ही साथ सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, फैजाबाद, संत कबीर नगर होते हुए और गोरखपुर में समाप्त होगी। इस यात्रा का उद्देश्य की अगर बात करें तो साफ तौर से प्रदेश के अंदर में जाति जनगणना और आरक्षण को सुरक्षित रखना और तमाम मुद्दों को लेकर होगा। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए तो केंद्र की सरकार, केंद्र की नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की गई, जिसके बाद अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके तमाम यात्राएं निकल रही है। उसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि
समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव की अगुवाई में इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें अलग अलग विधानसभा व इस यात्रा में तमाम जो विधानसभा के पदाधिकारी होंगे इस यात्रा से जुड़ेंगे और जाति जनगणना और तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। इस यात्रा में अगर बात की जाए तो 2022 विधानसभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया या जो विधायक चुन के आया या वो जो वहाँ का स्थानीय नेता होगा उसकी अगुवाई होगी। अगर बात करें तो 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती से हम जब यात्रा प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाएगी तो समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी है वो इस यात्रा में शामिल होकर और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव और 2024 चुनाव को लेकर एक हुंकार भी भरते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां लगातार समाजवादी पार्टी ओबीसी एससी मामले को लेकर लगातार पैरवी कर रही है और बात करें तो एक नया नारा भी दिया गया है जिसमें काशीराम जी को और मुलायम सिंह जी को एक साथ लाकर और कहीं ना कहीं देखें तो एक नई राजनीति की पहल शुरू की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इस यात्रा के बाद कितना समाजवादी पार्टी का ग्राफ निकाय चुनाव में बढ़ता है वो आने वाला समय बताएगा। मगर पूरी तरह से देखे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर देखे तो 2022 चुनाव से ही एससी एसटी ओबीसी वोटों का लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है चाहे बात की जाए समाजवादी पार्टी चाहे बात की जाए भारतीय जनता पार्टी चाहे बात करें कांग्रेस पार्टी तो जो तमाम दल है देश प्रदेश के अंदर में चाहे वो अगर देखे तो नेशनल पार्टी है रीजनल पार्टी हो ओबीसी और एससी वोट बैंक में टेढ़मारी को लगातार प्रयासरत है। अगर बात की जाए तो देश बचाओ और देश बनाओ यात्रा से साफ तौर से समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर में अलग अलग जिलों में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है। अब इस यात्रा के बाद क्या सफलता मिलता है वो आने वाले समय में बताया जाएगा। और आपको बताएं कि अगर देखे नंदनी तो हाल फिलहाल में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्या के महाविद्यालय पहुंचते हैं जहां महाराज काशीराम जी की प्रतिमा को अनावरण करते हैं, जिससे साफ संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो इस बार केंद्र होगा वोटर्स का वो हर वर्ग में होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम प्रयासों में कितना समाजवादी पार्टी सफल हो पाती है। जी बिल्कुल विवांशु, ये कहा जा सकता है कि जिस रास्ते पर 1993 में मुलायम सिंह यादव ने चलकर सत्ता हासिल की थी उसी रास्ते पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी चल रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 1992 से लगातार समाजवादी पार्टी जब से देखे तो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है 1992 पहला अधिवेशन राजधानी लखनऊ में हुआ उसमें साफ तौर से अगर देखे तो ओबीसी और एससी वोटर्स को एक सिरमारी के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई और उसको ठीक एक बार फिर 2024 के चुनाव में दोहराती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि प्रदेश के जो तमाम कार्यकर्ता है तमाम पदाधिकारी है और देश भर के तमाम समाजवादी पार्टी के जो जिला है प्रदेश अध्यक्ष है उनकी एक बैठक की गई, कार्यकारिणी की बैठक की गई बंगाल के अंदर में, जिससे साफ हो गया कि अब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अन्य राज्यों में जीतान ठोकते हुए नजर आएगी। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि जिस यात्रा का समाजवादी पार्टी शुरुआत कर रहा है उसकी वो कितना सफल होता है और आम जनमानस उससे कितना जुड़ता है। जी जी बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद दौरे पर हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे जहां सबसे पहले डिप्टी सीएम संगठन की मीटिंग के लिए 10:30 बजे होटल वेस्ट व्यू पहुंचे और मीटिंग की शुरुआत करने से पहले डिप्टी सीएम ने पुष्पांजलि करने के बाद इस प्रोग्राम की शुरुआत की। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का गाजियाबाद आगमन पर संगठन के लोगों में भारी जोश देखने को मिल रहा है। हालांकि ये मीटिंग नगर निकाय चुनाव और लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर संगठन के लोगों में जोश भरने का काम करने वाला माना जा रहा है। बसपा मुखिया मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने एक नारे को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमे होने की खबर सुर्खियों में है।
वास्तव में यूपी के विकास और जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या, श्रीराम मंदिर और अपर कास्ट समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था, वे बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत और सोची समझी साजिश थी। एक बयान दिया है जिसको लेकर वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर बीएसपी मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सपा का यही राजनीति रहा है, वो हमेशा द्वेष वाली राजनीति करती है। अपर कास्ट समाज से संबंधित नारों पर उन्होंने तंज भी कसा है। आगे कहा कि बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। कुछ टाइम पहले उन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया था। एक बार फिर से विवादित बयानों से एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं सुर्खियों में आए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से जो है सुर्खियों में आए हैं, वही जो उन्होंने बयान दिया था उस पर मायावती ने तंज कसा है। जी नंदनी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा काशीराम प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में दिए गए बयान के बाद उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बात करें तो जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, उस समय जनसभा में उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद थे। और अगर बात करें तो इसमें बयानों में साफ तौर से कहते हुए नजर आए कि जिसमें मुलायम सिंह यादव और साथ ही साथ काशीराम जी को नाम को जोड़ते हुए और राम पर एक विवादित टिप्पणी किया, जिसके बाद उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। अगर बात करें तो इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कार्रवाई होती है अब ये कुछ ही दिनों के अंदर सामने होगा। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। अब इसको लेकर बसपा प्रमुख सुश्री मायावती ने सपा अध्यक्ष पर तंज कसा है और कहते हुए नजर आई है कि अनंत का जो इनॉग्रेशन कार्यक्रम किया गया है, इसमें जो एक तरह से ओबीसी समाज और साथ ही साथ एससी समाज के साथ उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि छलावा किया जा रहा है, ये एक चुनावी रणनीति है। और साथ ही उन्होंने अगर देखा जाए तो यूपी के विकास में जनहित के बजाय दोष जातिवादी देश और अनर्गल मुद्दे की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है, ऐसे आरोप को बसपा की प्रमुख लगाते हुए नजर आ रही हैं। और अगर बात की जाए तो बसपा प्रमुख ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर हकीकत में लोगों के सपने पूरी तरह से आते रहे हैं तो 1993 में काशीराम जी ने जब सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी तो गठबंधन के का सीएम बनने के लिए बावजूद नीयत जो होती है वो पाक साफ होकर कहीं ना कहीं बसपा को बदनाम और दलितों के उत्पीड़न को जारी रखा। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं देखें तो बसपा की सुप्रीमो मुलायम सिंह के 1993 के वाक्या को ट्वीट के माध्यम से एक बार दोहराते हुए नजर आ रही हैं। अब काशीराम और मुलायम सिंह जी को लेकर सपा और बसपा के अंदर में एक आपसी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर सपा कैसे डिफेंड करते हुए नजर आती है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वो लखनऊ स्थित आवास पर होम आइसोलेशन में है। बता दें कि तबियत खराब होने पर उन्होंने कोरोना की जांच कराई, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। वहीं कोविड पॉजिटिव के कारण उन्होंने अगले 3 दिन के कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। लखनऊ में सिटी बस की महिला कंडक्टर से बस सलूकी मामले में तूल पकड़ लिया है, जहां आज सिटी बसों का संचालन ठप कर दिया गया। 250 में से सिर्फ 14 बसें ही आज रूट पर निकली। चेकिंग अधिकारी खुद कंडक्टर ड्राइवर बनकर बस चला रहे हैं। बता दें कि बुधवार को बस के ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर चले गए। दोबग्गा डिपो में ड्राइवर कंडक्टर सड़कों पर उतर आए।
इसके चलते राजधानी में सिटी बस सेवा ठप हो गई। सिटी बस सेवा ठप होने के चलते यात्रियों को काफी दिक्कत हुई, किसी का स्कूल छूटा तो किसी का दफ्तर। दरअसल मंगलवार को महिला कंडक्टर सिटी बस लेकर जा रही थी, रास्ते में चेकिंग के लिए विभाग के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी अनिल तिवारी बस में चढ़े। महिला कंडक्टर ने आरोप लगाया कि चेकिंग के दौरान केंद्र प्रभारी ने महिला कंडक्टर से बदतमीजी की है, उसको धक्का दिया है। प्रयागराज के हंडिया में वैश्य समाज के लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय वैश्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता को पेड़ का पौधा देकर सम्मानित किया। भाजपा नेता अरुण कुमार के आवास पर भारतीय राष्ट्रीय वैश्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहले जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को पेड़ का पौधा लगाना चाहिए, जिससे लोगों को शुद्ध वातावरण मिल सके। आगे उन्होंने कहा कि हमारा वैश्य समाज कई खंड में बटा हुआ है, वैश्य समाज को एकजुट कर अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इस अवसर पर शंकर साहू दादा, पवन कुमार साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। पर्यावरण बचाएं, ताकि हमारा उद्देश्य यह है कि वैश्य समाज एकत्र हो और एक साथ रहे, और यहाँ से ज्यादा हो सके वैश्य समाज के लोग चुनाव में अपने आप को सामने लाएं और प्रत्याशी के रूप में लाते हुए और विजय घोषित हों। और इसी क्रम में अरुण साहू बाबा को भी हमारा ये उम्मीद है कि यहाँ से अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी को टिकट देती है तो निश्चित तौर पर अरुण साहू भी यहाँ से विजयी घोषित हों, यही हमारा उम्मीद है। आप जो ये भारतीय राष्ट्रीय वैश्य महासंघ गठन किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, समाज को कैसे आप एकजुट करेंगे, समाज को क्या? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत। बाराबंकी के सूरतगंज शिक्षा क्षेत्र के कई विद्यालयों में अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार बच्चों को शिक्षण कार्य कराने के लिए योजना चला रही है, जिसके बावजूद भी विद्यालयों में अध्यापक की अनुपस्थिति देखने को मिल रही है। बता दें कि सूरतगंज शिक्षा क्षेत्र में कई विद्यालय हैं जहां पर 4 अध्यापक तैनात हैं, जिसमें से 1 या 2 अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। इसको लेकर कई बार आवाज भी उठाई गई, लेकिन कोई सुधार देखने को नहीं मिला। वहीं मथुरा प्राथमिक विद्यालय में 4 अध्यापक में से 1 शिक्षा मित्र अनुपस्थित मिले, जिसके बारे में पता चला कि वो हफ्ते में केवल 1 या 2 दिन विद्यालय आते हैं और बाकी के दिनों में घर पर ही बैठकर वेतन उठाते हैं। किस कक्षा में पढ़ रहे हो? 3 में। विद्यालय का नाम क्या है? विद्यालय का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय। गांव? गांव कौन सा है? मथुरा तराई। मथुरा तराई। आपका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र। किस कक्षा में पढ़ रहे हो? 3। आज मास्टर कौन कौन आए हैं? राकेश सर आए हैं, अखिलेश सर आए हैं, मैडम आई है। हमीरपुर में 6 माह के अंतराल के बाद जिले में कोरोना ने दस्तक दी है। जिले में 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। बता दें कि मुख्यालय के खालेपुरा की 20 वर्षीय युवती और कुरारा की 40 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित मिली हैं। RT-PCR जांच में दोनों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने का सलाह दिया है। खबर हमीरपुर से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामले ने सभी को डरा दिया है। वहीं पर हमीरपुर में 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ब्रिजेश जुड़ेंगे। ब्रिजेश, हमीरपुर में कोरोना पॉजिटिव 2 व्यक्ति मिले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल यहां के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान पाया है कि यहां के हमीरपुर सदर मुख्यालय के कालेपुरा मोहल्ले से 20 वर्षीय युवती जो है जो कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसके साथ ही एक यहाँ के कुरारा कस्बे में एक महिला भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है और दोनों मरीजों को जो है होम आइसोलेशन में रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम इन दोनों मरीजों पर लगातार अपनी निगरानी रखे हुए है। जी, आपका ब्रिजेश। औरैया में 1 CNG ऑटो में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे ऑटो के मालिक की जलकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वही जानकारी पर पुलिस अधीक्षक
अपर पुलिस अधीक्षक सीओ समेत पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि आग की सूचना के बाद पुलिस घायल को आनंद फानन में अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे बता दें कि पुलिस का कहना है कि मृतक लगभग 3 महीने पहले ही अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जेल से छूट कर आया था और उसने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ऑटो खरीदा था। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया है कि ऑटो में आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन उसकी जाँच की जा रही है। दुना क्षेत्र में लगभग 1.25 घंटे पूर्व एक सूचना आई थी कि अछलदा विधुना मार्ग पर एक ग्वारी पेट्रोल पंप के आगे है, ये अशोकपुरी फार्म पड़ता है, फार्म हाउस, उसके पास एक ऑटो में आग लग गई थी और जो चालक उसके चला रहे थे वो उसने बाहर निकलकर भागने का प्रयास किया, लेकिन आग निकल के गड्ढे में वो गिर गया। और इनका नाम जवाहरलाल दुबे, सन ऑफ राधेश्याम दुबे, ये रूरू कला विधुना के रहने वाले थे। 39 वर्ष इनकी उम्र थी। इन्होंने ये अभी ऑटो 15 दिन पहले लिया था प्रथम दृष्टिया, जो अभी फायर की टीम को बुलाया गया, सीए से भी जांच कराई। जो अभी ये जो डेथ हुई है ऑटो में आग लगने से, कौन है आपके? भाई साहब, कैसे क्या हुआ ये तो पता नहीं, मेरे घर पे काम चल रहा है, ठीक है, और ये काम के निकले हुए हैं और रात को आए भी, रात को ही आते हैं, रात भर चलाते हैं, 3 बजे से 4 बजे तक कोई उनका टाइम टेबल नहीं है। फिर तो अभी मिस्त्री लगा था घर पे, फोन आया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़ी देर बाद फोन आया कि भी ना पहुँचो, तो यहाँ सीधे आ गए। अच्छा, भाई क्या करते थे? टैक्सी चलाते थे। इसके पहले वो जेल में भी रहे। खबर हरदोई से है, जहां मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटा है। बता दें कि सुरसा के पचकोहरा निवासी हाइड्रोशील से पीड़ित थे, जिनके ऑपरेशन के लिए परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे, जहां डॉक्टरों पर 7,000 रुपए लेकर ऑपरेशन में लापरवाही करने का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद मृतक को वार्ड में लगाया गया, जहां पे उनके सीने में तेज दर्द होने से मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। इस दौरान डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गए। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस बल के साथ सीओसीटी ने अस्पताल पहुंचकर मामला शांत कराया है और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसने 100 रुपए लिए। कौन डॉक्टर थे, किनको दिखाया था? वो डॉक्टर वो सरदार जी थे, तो अरपीत सिंह थे। रायबरेली में बड़ा हादसा होते होते टला है। बता दें कि एक लोडर टायर फटने से अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गया, जिसके बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से लोडर में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला गया। दोनों को मामूली चोटें आई और बड़ा हादसा होते टल गया है। मामला भदोखा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भुएमऊ गाँव के पास का बताया जा रहा है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? गुफरान नाम है, यही जगदीशपुर के रहने वाले हैं। क्या हुआ है अभी? अरे ये गाड़ी अनियंत्रित होके पलट गई है। कौन सी गाड़ी है? ये मैजिक है, कोई सुपर मैजिक। कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? इधर से आ रही थी जगदीशपुर होते हुए सदेपुर रोड जा रही थी, अचार फैक्ट्री। कैसे पलटी कुछ मालूम? ये टायर फटने बता रहे हैं वजह है, टायर फटने से जाके नहीं, चोट कोई नहीं हुआ, खंती में जा गिर गई गाड़ी, एक ही ड्राइवर बच गया है, चोट नहीं आई। जनपद सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में मिले अज्ञात शव की हत्या का खुलासा हुआ है। बता दें कि पुलिस कप्तान विपिन ताड़ा ने प्रेस वार्ता करते हुए हत्या का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पूरा मामला पैसों की लेन देन को लेकर हुआ था, जिसमें आरोपी युवक ने नशे की हालत में अपने दोस्त की गला घोट कर हत्या कर दी और केमिकल से चेहरा जला दिया, ताकि शव की पहचान न की जा सके। वहीं आरोपी के पास से मृतक का फोन, मोटरसाइकिल सहित कई दस्तावेज भी मौके से बरामद किए गए हैं। कोतवाली देहात क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक युवक का शव मिला, जिसका कि चेहरा जलाकर उसकी शिनाख्त मिटाने का प्रयास किया गया था। वहां पर पुलिस को कुछ केमिकल की बॉटल भी मिली, जो कि पॉलिश करने में या पेंट करने में काम आती थी, थिनर के एक प्रकार का थिनर था वो। इस पर पुलिस ने शव का फोटो लिया और जो थिनर की बॉटल थी उसका प्रयोग किया। साथ ही घटनास्थल पर एक बटन भी मिला, जो कि शर्ट का बटन था,
और वो बटन का भी पुलिस ने जब्त किया उसको, और इन तीनों चीज़ों के आधार पर पुलिस ने जो मृतक है उसकी शिनाख्त अंकुश के रूप में की, जो कि थाना क्षेत्र देहात का ही रहने वाला था। और इसी क्रम में जब पूछताछ आगे पुलिस। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस